अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके फेवरेट एनिमे उनके मांगास यानी कि जापानीज कॉमिक्स से फेमस होकर ही बनाई गई हैं। अब हमने इन फेमस एनिमेस के फर्स्ट एपिसोड को तो देख लिया है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन एनिमे के फर्स्ट मांगा में क्या हुआ था? और आज जैसे ये कैरेक्टर्स दिखते हैं, क्या मांगास में भी उन्हें ऐसे ही दिखाया गया है? क्या सेम एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की तरह उनकी स्टार्टिंग हुई है, या फिर मार्वल के आयरन मैन की तरह अलग, जहां मूवीज में जार्विस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वहीं कॉमिक्स में एक ह्यूमन बटलर? वेल, ये सवाल तो तभी सॉल्व होंगे जब हम इनके फर्स्ट मांगा के वॉल्यूम 1 को देखेंगे। तो यार चलो वीडियो का स्टार्ट ही उस एनिमे के मांगा के साथ करते हैं, जिसका मांगा ही उसके मेन कैरेक्टर्स को स्पेशली इंट्रोड्यूस करवाता है। तो परमैन के फर्स्ट मांगा का नाम है द बर्थ ऑफ परमैन, और जैसा नाम है वैसा ही इसका ठीक काम भी है। मेरा मतलब परमैन के फर्स्ट एपिसोड की ही तरह इसमें मित्सुओ कैसे बना परमैन उसी की स्टोरी को बताया गया है। 1967 की इस मांगा की स्टार्टिंग मित्सुओ की बहन गांको से होती है, जो अपने भाई को न्यू ईयर का कार्ड देने के लिए ढूंढ रही होती है। वैसे यार इन मांगास को पढ़ते हुए आप एक बात का जरा जरूर ख्याल रखना कि आप इन जापानीज मांगा को आम हिंदी या फिर इंग्लिश की ही तरह राइट टू लेफ्ट नहीं बल्कि लेफ्ट टू राइट पढ़ना, क्योंकि ओरिजिनल इनको जापानीज में ऐसे ही पढ़ा जाता है। भाई लिटरली शुरुआत से इसी वजह से मैंने बहुत धोखा खाया है। मतलब भाई मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि मित्सुओ गांको से लेटर लेता है और उसके बाद गांको उसे ढूंढ रही है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? खैर तो अगर इसके स्टोरी की बात की जाए तो यह स्टोरी परमैन के काफी हद तक फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी होती है, जिसमें मित्सुओ पिटपिटाकर मुंह बनाकर पार्क में बैठा रहता है कि तभी वहाँ पर बर्डमैन की नींद खुलती है और वो बस जल्दीबाजी में मित्सुओ को परमैन बना देता है, जिसके बाद ही मित्सुओ की मिस्टीरियस जर्नी स्टार्ट हो जाती है। भाई इमेजिन करो कि अगर डोरेमोन की जगह नोबिता ले ले और नोबिता की जगह डोरेमोन, तो बताओ क्या होगा भाई? होना क्या है, इस एनिमे का नाम कितरेत्सु हो जाएगा। भाई जो भी हो और ये जितना भी डोरेमोन से मिलता जुलता हो, बट फिर भी इस एनिमे में ऐसे बहुत सी खास बातें थी जो हमें इसे पसंद करने पर मजबूर करती है। लाइक डोरेमोन के गैजेट्स बने बनाए आते हैं, वही कितरेत्सु एक बुक की हेल्प से DIY जैसे खुद ही गैजेट्स बनाता है, जिससे हम उसे काफी रिलेट कर पाते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि डोरेमोन के मांगा के रिलीज होने के ठीक 5 साल बाद ही फुजिको फुजियो ने कितरेत्सु के मांगा को भी जापान में रिलीज करवाया था। की पहली मांगा काफी ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें टोटल 11 कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कंटेंट का नाम है आई एम कोरोसुके। हाँ तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे कितरेत्सु बचपन से ही बहुत ही होशियार होता है, बट फिर भी प्रॉपर गाइडेंस न मिलने की वजह से हर बार गैजेट्स बनाकर वो अपना ही बैंड बजा लेता है। एक रात वो अपने पापा से अपने ग्रेट ग्रैंडफादर और एक बहुत ही जीनियस इन्वेंटर कितरेत्सु साइसामा के बारे में बात करके उनके बुक के बारे में जान लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली उस समय वो बुक को पढ़ नहीं पाता है। अब उस रात को वो सोता नहीं है और थोड़ी सी टेस्टिंग करने के बाद उसको मिरेकल ग्लासेस के बारे में पता चलता है, जिसे के हेल्प के थ्रू वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की बुक को पढ़ पाता है। अब क्या, इतने अमेजिंग बुक मिलने के बाद वो सबसे पहले कोरोसुके को बनाता है और अपनी लाइफ की एडवेंचरस जर्नी को स्टार्ट कर देता है। अब अपने बचपन में कौन इस बच्चे को नहीं जानता होगा, एक ऐसा बच्चा जो बड़ों की भी बैंड बजा दे। यूं तो सिंचन की फर्स्ट एनिमे अप्रैल 30, 1992 को रिलीज हुई थी, लेकिन उस एनिमे का स्टोरी 1990 के इस मांगा में ही प्रिंट हो चुकी थी। अगर आप सिंचन के तगड़े वाले फैन हैं, तो ये सिंचन की वॉल्यूम 1 की चैप्टर 1 की मांगा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस मांगा में हमें सिंचन को उसके मॉम के साथ फर्स्ट वेजिटेबल शॉपिंग वाले इंसिडेंट को तो बताया ही गया है, साथ ही साथ सिंचन और उसके मॉम के साथ और भी ढेर सारी स्टोरीज बताई गई हैं। मतलब ये मांगा तकरीबन 130 पेजेस का है एंड ऑलमोस्ट आधे पेज तक तो सिर्फ सिंचन और उसके मॉम को ही दिखाया गया है। इवन हैरी को भी आधे पेजेस के बाद दिखाया गया है। डैड के इंट्रोडक्शन के बाद सीरो की भी एंट्री होती है और यार पहली मांगा में तो हिमावारी का जरा सा भी जिक्र नहीं है। खैर एट लास्ट इस मांगा के एंड तक सिंचन किंडरगार्टन तक पहुंच जाता है और अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर चुका होता है। आजकल सभी लोग पैसे कमाना चाहते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है और हाल ही में क्रिप्टो में क्रैश की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अब ऐसे में हम पैसों के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ लोग जानते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाए और वो है लाइट फाइनेंस ब्रोकर, जो 17 सालों से काम करते हुए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, खासकर उन्हें जो सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। लाइट फाइनेंस में आप सोशल ट्रेड के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। ये काफी सिंपल है, सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना है और उसके बाद ट्रेडिंग सेक्शन पर क्लिक करना है। इसमें आप सभी ट्रेडर्स के लॉस एंड प्रॉफिट्स को देख सकते हो और आप सर्च करके सबसे सफल ट्रेडर को मैसेज करके उसका ट्रेड स्टाइल कॉपी करके एक सफल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ऐसा करके लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट कमा सकते हो और लाइट फाइनेंस सभी इंडियंस के लिए बोनस भी देता है। इसमें आप इंटरनेशनल कंपनीज लाइक एप्पल, मेटा, ट्विटर में ट्रेड कर सकते हो। तो US के स्टॉक ट्रेड करो और एक्साइटिंग प्राइस जीतो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और डाउनलोड करो। और जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में कैपिटल रिस्क पर होता है, तो अच्छी खासी नॉलेज गेन करो तभी आप अपने पैसे लगाना।
अबे यार चलो फाइनली उस साईफाई एनिमे की भी बात कर लेते हैं जिसको हम लोग तब से जानते थे जब हमें साईफाई का मतलब ही नहीं पता था। डोरेमोन की पहली मंगा यूं तो दिसंबर 1969 में नर्सरी से लेकर फोर्थ ग्रेड तक के बच्चों के लिए रिलीज कराई गई थी, बट 31 जुलाई 1974 में इसके सारी स्टोरीज को रीअरेंज करके उनको सिलेक्टिवली 45 वॉल्यूम्स में कलेक्ट किया गया, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर था ऑल द वे फ्रॉम अ फ्यूचर वर्ल्ड, और जिसमें डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड की ही तरह लगभग स्टोरी तो सेम रहती है। लाइक सेवासी फ्यूचर से डोरेमोन को लेकर नोबिता के पास आता है और उसको नोबिता को गिफ्ट कर देता है ताकि वो फ्यूचर में माला माल बन सके। बट यार फिर भी इस सेम स्टोरी में आपको जो चीज बिल्कुल अलग देखने को मिलेगी वो होगी इन कैरेक्टर्स के लुक्स। लाइक आप खुद देखो कि यहाँ डोरेमोन को डोरा मोहन जैसा दिखाया गया है, साथ ही साथ डोरा केक भी पूरा ही चेंज है। भाई सच्ची बात बता रहा हूँ यार, इन एनिमे के एपिसोड को देखकर अगर कभी टाइम मिले ना तो जरूर इनके मांगास को भी पढ़ लेना, इन्हें पढ़ने में भी काफी मजा आता है और साथ ही साथ आपको एक दो नहीं बल्कि बहुत से मजेदार एपिसोड्स और उनके गैजेट्स के बारे में भी पता चलेगा। अब भाई एट लास्टली अब हम जिसकी बात करने वाले हैं ना वो कोई एनिमे तो नहीं बट एक बहुत ही फेमस और हमारा फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर जरूर है, दी आयरन मैन। अब बताने के लिए तो मैं और भी कुछ अच्छे एनिमे को इसी वीडियो में घुसा देता बट इस टॉपिक पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आपको उन एनिमे एंड पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर्स की ओरिजिनल मांगा को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर इस वाले पार्ट पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वो वीडियो भी बहुत ही जल्द आ जाएगी। हाँ तो आपने आयरन मैन की फर्स्ट मूवी तो जरूर से देखी होगी, बट मजेदार बात तो यह है कि आयरन मैन की फर्स्ट कॉमिक टेल्स ऑफ सस्पेंस जो कि मार्च 1963 में रिलीज हुई थी उसके स्टोरी मूवी वाले स्टोरी से थोड़ी बहुत अलग है। मूवी में अफगानिस्तान में मिसाइल टेस्टिंग के बाद जहां हमारे टोनी पकड़ा जाता है और अपना पहला सूट बनाता है, वहीं पर कॉमिक्स में स्टोरी होती है वियतनाम की जहां वो गोरिल्ला वॉरियर्स के बिछाए गए माइंस ट्रैप में फंस जाता है और इंजर्ड हो जाता है जिससे उसके चेस्ट में माइंस के शार्प नेल्स घुस जाते हैं। और गाइस मूवीज में जहां जार्विस टोनी का एआई होता है वहीं कॉमिक्स में टोनी के एआई जैसी कोई भी चीज ही नहीं होती है बल्कि जार्विस तो टोनी का एक बटलर होता है। अब भाई कॉमिक तो सेट है 1960s एंड 1970s में तो एआई का जिक्र करना तो भूल ही जाओ। हाँ जब से मूवीज में जार्विस को एआई दिखाया गया है तब से उसे कॉमिक्स में भी एआई ही शो किया गया है। वेल यार इस वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ पर और कुछ सिमिलर वीडियोस हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर ऐसे ही फन एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखना पसंद है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।